कामार मंडल समिति के द्वारा दिए गए प्रसंग अनुसार अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं। लीजिए आपके समक्ष नासिका स्वर से बांसुरी वादन। Yeah.
भरत मन उपज परम संदेह।
समस्त मानस प्रेमी बंधुओं, प्रसन्न हमें जो प्राप्त है वह संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 179 से है। प्रसंग का दोहा है, कारण ते कारज कठिन होई दोष नहीं मोर, कुलस अस्थिते उपलते लोह कराल कठोर। प्रसंग का भाव है कि कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक कठोर होता है, यह दोहा का शाब्दिक अर्थ है। प्रसंग उस समय का है जब भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के वियोग में और अपने पिता महाराज दशरथ के वियोग में अपनी सभा के अंदर गुरु वशिष्ठ जी से उनकी चर्चा होती है। गुरु वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हैं कि हे भरत, राम तो वनवासी हो गए और आपके पिता महाराज दशरथ स्वर्ग को चले गए। महाराज दशरथ के कथन अनुसार श्री रामचंद्र जी उनकी आज्ञा मानकर वन को चले गए, उन्हीं की आज्ञा है कि आप अयोध्या का राज संभाले। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से भरत को समझाया। भरत जी के मन में पिता का मरण और भाई का वियोग दोनों तरफ से बहुत ही वह दुखित होते हैं, संकुचित है, मन में कई प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, कई प्रकार के भाव जागृत कर रहे हैं कि अब मैं करूं तो क्या करूं, पिताजी के न रहने पर अयोध्या का क्या होगा, और यहाँ पिताजी ने जो बात कह गए हैं उनको मैं किस प्रकार निर्वहन करूं। वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हैं कि आप महाराज प्रतापी दशरथ के पुत्र हैं और महाराज दशरथ की तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त है, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि उनके गुणों की गाथा गाते हैं, और जिनका यश तीनों लोकों में फैला हो तो उनके मरने के उपरांत शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वशिष्ठ जी भरत जी को कहते हैं और कहते हैं कि आप महाराज की आज्ञा अनुसार राज्य संभाले, प्रजा का भरण पोषण करें और संचालित प्रजा को खुशी करें, उनको सुख प्रदान करें। भरत जी के मन में यह भाव रास नहीं आता। माता कौशल्या भी समझाती है कि हे भरत, तू ही एक हमारा आधार है, प्रजाजनों का तू ही एक पालनहार है, तुम यह राजपाट संभालो। प्रजाजनों का भी मत आता है, मंत्रीजनों का भी मत आता है। गुरु वशिष्ठ, माता कौशल्या, मंत्रीजन, प्रजाजन सभी लोग अनेक भांति से भरत जी को समझाते हैं, परंतु भरत जी के मन में संतोष नहीं होता कि वह किस प्रकार से इन शब्दों को का निर्वहन करें। उनके मन में एक ही भाव आ रहा है कि मैं इतना सुनने के बाद, पिताजी का मरण सुनने के बाद, भाई का वनवास सुनने के बाद मेरे प्राण कैसे रह गए, मैं उनके बगैर कैसे जीवित हूं, अर्थात मैं इतना कठोर क्यों हो गया। उसी क्रम में भरत जी अपने आप को हर प्रकार से अपने आप को दोषी मानते हैं कि अगर मैं जन्म नहीं लेता तो शायद मेरी माता मेरे लिए राज्य नहीं मांगती और मेरे पिताजी का मरण नहीं होता, मेरा भाई से वियोग नहीं होता, माता सीता से वियोग नहीं होता, जिनके चरणों में नित्य मेरा स्थान हो वह मुझसे दूर नहीं होते, सभी का कारण मैं ही। इस प्रकार अपने आप में वे ग्लानि महसूस करते हैं और सभा में जितने लोग भी उनको जो बात समझाते हैं उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि इन सभी का कारण मैं ही, अर्थात मैं ही बहुत कठोर हूं। उन्होंने अपनी माता कैकेयी को अनेक कठोर वचन कहे, अपशब्द कहे,
कि माता कैकेयी ऐसे कैसे निष्ठुर हो गई, जिनको सबसे प्यारे राम थे उन्हीं के लिए इतनी कठोरता दिखाई और उन्हें वनवास देकर मेरे लिए राज्य मांगा, क्या उनके हृदय में कुछ पीड़ा नहीं हुई जो भाई राम को वनवास भेज दिया। और अपने आप को कहते हैं कि जितनी कठोर माता है तो उसका पुत्र भी उससे ज्यादा कठोर होना स्वाभाविक है। इसी प्रकरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा के माध्यम से प्रसंग को लिखा है। भरत जी के कथनानुसार ही यह दोहा है। कारण ते कारज कठिन होए दोष नहीं मोर, कुलस अस्थिते उपलते लोह कराल कठोर। अर्थात कारण से कार्य कठिन होता है और इसमें मेरा दोष नहीं। जिस प्रकार हड्डी से वज्र निकालने के बाद वज्र कठोर हो जाता है, पत्थरों से लोह ज्यादा कठोर हो जाता है, उसी प्रकार कैकेयी से ज्यादा भरत जी कठोर हो गए हैं। इस प्रकार भरत जी कहते हैं कि कार्य से कारण कठिन होता है। यहाँ पे कैकेयी कार्य के रूप में है और भरत जी कार्य के रूप में। प्रसंग का भाव कुछ कह रहा है कि कैकेयी कारण रूप में है और भरत जी कार्य रूप में। अस्थि कार्य कारण है और वज्र कार्य है। जिस प्रकार से अस्थि से उसका वज्र निकालकर एक शस्त्र बनाया गया जिसको वज्र कहा जाता है, महर्षि दधीचि की हड्डी से इंद्र ने वज्र बनाया और वह इतना कठोर कि पत्थर से भी ज्यादा, जैसे कठोर लोहा होता है उसी प्रकार से वह लोह को कठोर मानते हैं, उसी से ज्यादा कठोर भरत जी अपने आप को मानते हैं। दूसरा भाव यह है कि भरत जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी यहां कार्य के रूप में है और भरत जी कार्य के रूप में। वह कैसे? प्रभु श्री रामचंद्र जी ब्रह्म के रूप है, अगुण अनादि अनंत स्वरूप ब्रह्म। प्रभु श्री राम यहाँ कार्य के रूप में है और ब्रह्मा विष्णु महेश यह ब्रह्म के अंश है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ ब्रह्म कारण है। और दूसरी बात कि ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु श्री हरि विष्णु जगत के पालन करता पोषण करता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि विश्व धर्म पोषण कर जोई ताकर नाम भरत संभलो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जिस प्रकार श्री विष्णु जगत का पालन पोषण करते हैं और वह ब्रह्म है, और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि भरत जी भी पूरी प्रजाजनों का पालन पोषण भरण पोषण करने वाले हैं, तो यह भी श्री हरि विष्णु के अवतारी है। अर्थात भरत जी भी ब्रह्म के स्वरूप है। भरत और राम दोनों एक ही रूप में माने गए हैं, यह मानस पीयूष का प्रसंग है। दोनों को एक ही स्वरूप की गिनती में गिना गया है और कहा गया है कि जीव और शिव। प्रभु श्री रामचंद्र जी यहां पे मनुष्य रूप में भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सहित चारों भाई ने जो अवतार लिया है तो ये मनुष्य रूप में है, परंतु यह पंच भौतिक तत्वों से परे है। जैसा कि हमारा शरीर पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ है, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का और चारों भाइयों का शरीर इनसे परे है। तो जीव और का सीधा संबंध शिव से हो जाता है। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यह सीधे परमात्मा के स्वरूप हैं। और दूसरा भाव यह है कि कारण ते कारज कठिन होई दोष नहीं मोर। यहां भरत जी कहते हैं कि सभी प्रकार से मुझे ही दोष लगा है, मुझे ही कलंकित होना पड़ा है। इसमें
पूरी तरह से वह अपने आप को दोषी मानते हैं और कहते हैं कि होई दोष नहीं मोर। यह जितनी स्थिति बनी हुई है अयोध्या की और जितना कार्य हुआ है, जो होने वाला है, जो घटना घट चुकी है, जो घटना होने वाली है, इसमें भरत जी ने अपने आप को दोषी माना है और प्रसंग पे लिखा है कि होई दोष नहीं मोर। यहाँ लिखते हैं भरत जी कहते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष भी नहीं है, यह तो विधि का विधान है। किस प्रकार अब वह अपने आप को कहते हैं कि ना ही मैं ऐसी कुटिल माता की कोख से जन्म लेता और ना ही इतना कठोर बनता, ये उनके अपने भाव हैं। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी की यहाँ कठिन लीला समझने में अटपटी सी लगती है। प्रभु अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता, प्रभु की लीला अनंत है, उनका पार पाना असंभव सा लगता है। आइए मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए द्वितीय प्रसंग की ओर ले चलते हैं। करते रहो
चंद्र की जय, हमारे शुद्ध हनुमान की जय।